वेलकम बैक फ्रेंड्स, होप कि आप सभी हेल्दी हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट पनीरम, या फिर इसे पड्डू भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए हम ऑयल का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। ये स्नैक्स बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी होती है। चलिए देखते हैं क्या क्या चाहिए हमें। यहाँ मैंने लिया है 2 कप्स ऑफ रावा, 1/2 कप ऑफ कर्ड, सॉल्ट, सोडा, ग्रेटेड कैरेट, चिलीज, जिंजर चॉप्ड, अनियन चॉप्ड। आप वेजिटेबल्स अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हम पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम चाहे तो इसमें चॉप्ड कोरिएंडर, चॉप्ड करी पत्ता, इवन हम बीट रूट या कोई भी वेजिटेबल्स हम डाल सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे टेस्ट पे डिपेंड करता है हम क्या क्या डालें। अब हम इसमें कर्ड डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे पानी। हमें पानी इकट्ठे एक साथ मिक्स नहीं करना है, उससे लम्स बन सकते हैं। पहले हम 1/2 कप ऑफ वाटर मिक्स करेंगे, देन 1 more 1/2 कप। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम बारी बारी सारे चॉप्ड वेजिटेबल्स को इसमें डाल देंगे। सारे वेजिटेबल्स को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम अभी 20 मिनट्स के लिए कवर करके छोड़ देंगे। After 20 minutes, यहाँ मैंने पड्डू बनाने का जो तवा होता है उसे गैस पे चढ़ा दिया है। अभी हम हल्का हल्का घी लगाएंगे। आप देख ही सकते हैं मेरे स्पून में कितना घी है। ये हमारा बैटर तैयार। इसमें मैंने बाद में 1/2 कप और पानी मिक्स कर दिया था। अब हम ये जो छोटी छोटी सी कटोरी सी बनी हुई है तवे पे, इस पे अपना बैटर डाल देंगे। हमें पूरा भर के नहीं डालना है, थोड़ा ऊपर का हिस्सा हमें छोड़ देना है। इसके बाद हम इसे 2 मिनट्स के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि नीचे का हिस्सा पक जाए। After 2 minutes, ये देखिए हमारा पड्डू ऊपर से भी फूल गया है। हम आइदर स्पून, नाइफ या फिर ऐसी एक स्टिक ले सकते हैं ताकि पड्डू को हम पलट सके। ये देखिए जब हमारा पड्डू नीचे से पक चुका है, कितने आसानी से हम उसे पलट पा रहे हैं। सारे पड्डू को हम पलट देंगे और एक और बार हम 2 मिनट्स के लिए इसे कवर कर देंगे ताकि दूसरा जो साइड है वो भी पक जाए। फ्रेंड्स, हम इसे कोकोनट चटनी या फिर मूंगफली के चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए आफ्टर 2 मिनट्स इसे चेक करते हैं। हम इसे खोलकर देखेंगे। हमारे पड्डू पक चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। हम एक प्लेट में सारा पड्डू निकाल लेंगे और हमें 12 पड्डूज बनाने के लिए ओनली 1/2 टीस्पून ऑफ घी लगा है। है ना ये हेल्दी? आप नेक्स्ट टाइम इस हेल्दी स्नैक्स को घर पे तैयार कीजिए, खाइए और मेरे से शेयर कीजिए कि कैसा लगा। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।